दोस्तों Realme लॉन्च करने वाला है Realme 9 iPhone को इंडिया में 18 जनवरी को। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 11T और Realme 9 iPhone के बारे में। ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है और क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। Redmi Note 11T फोन में डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाएगा 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाता है Realme 9 iPhone में। एस्पेक्ट रेशो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशो दोनों फोन में दिया गया है। दोनों फोन में नॉच देखने को नहीं मिलता है, छोटा सा एक पांचोल दिया गया है। दोनों फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशो का बात करें तो Redmi Note 11T फोन में इसमें 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो Realme 9 iPhone इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया जाएगा 90.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले में यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले दिया गया है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो Redmi Note 11T फोन में 12 रियर कैमरा दिया गया है। जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर का साथ में दिया गया। वो जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर का साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है। इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो Realme 9 iPhone इसमें इसमें कैमरा दिया जाएगा 3 फुल ईयर कैमरा होने वाला है। जो प्राइमरी सेंसर होगा 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर का साथ में दिया जाएगा। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया जाएगा। और जो टार्ट कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया जाएगा। इसमें भी 4K वीडियो देखने सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो दोनों फोन में सेम सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का f2.1 अपर्चर का साथ में 5 सेल्फी कैमरा दोनों फोन में देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन का सेल्फी कैमरा में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो रियर कैमरा में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाता है। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो Realme 9 iPhone में इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 11T फोन इसमें MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। MediaTek Dimensity 810 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। GPU का बात करें तो मान लीजिए 57MC2 GPU देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो Realme 9 iPhone इसमें Qualcomm का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया जाएगा। Qualcomm Snapdragon 680 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। इसका क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। GPU का बात करें तो Adreno 610 GPU देखने को मिल जाता है। दोनों प्रोसेसर का प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का बात करें तो दोनों प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर आधारित है, 6 नैनोमीटर पर चलता है। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें तो MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर इसमें 5G सपोर्ट दिया गया। यह 5G प्रोसेसर है। और Snapdragon 680 प्रोसेसर इसमें 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, यह 4G प्रोसेसर है। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो Redmi Note 11T फोन में Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और साथ में MIUI 12.5 दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो Realme 9 iPhone इसमें भी Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और साथ में Realme UI 2.0 देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन का वारंट का बात करें तो दोनों फोन में वारंट भी सेम देखने को मिल जाएगा। जो बेस्ट वारंट होगा 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में दिया जाएगा दोनों फोन में। और जो हायर वारंट होगा 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड भी एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में सेम बैटरी देखने को मिल जाएगा, 5000mAh का बैटरी होने वाला है। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो फास्ट चार्जिंग भी सेम देखने को मिल जाएगा, 33W का फास्ट चार्जर होने वाला है। दोनों फोन के USB कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में USB Type-C 2.0 देखने को मिल जाता है। दोनों फोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.01 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाता है। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में फेस अनलॉक दिया गया है। और दोनों फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन का यहाँ पे नेटवर्क सपोर्ट का बात करें तो Redmi Note 11T फोन में इसमें 5G सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 4G सपोर्ट दिया गया। यहाँ पे बात करें तो Realme 9 iPhone इसमें 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, 12 4G सिम वोल्टेज देखने को मिल जाता है, 4G सपोर्ट दिया गया है।
दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन देखने को मिल जाता है। ग्लासिक फिनिशिंग बैक दिया गया, लेकिन ग्लास देखने को नहीं मिलता है, बैक साइड में प्लास्टिक यूज किया गया है। दोनों फोन काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो Redmi Note 11T फोन, इसका जो बेस्ट वारंटी है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 50,999 रुपीज पर आता है, और इसका जो हायर वारंटी 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, इसका प्राइस है 18,999 रुपीज पर आता है। और वही सेम प्राइस पर यहाँ पे आएगा Realme 9 iPhone, हो सकता है 1,000 रुपीज ज़्यादा हो जाए या फिर 1,000 रुपीज कम प्राइस में भी आ सकते हैं। इसका प्राइस कंफर्म नहीं है, इसका प्राइस कल 12 o'clock के बाद ही कंफर्म प्राइस पता चलेगा। कल 12 o'clock को 18 जनवरी 12 o'clock को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, तो लॉन्च होने के बाद ही कंफर्म प्राइस पता चलेगा। और जो स्पेसिफिकेशन बताया हूँ, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन कन्फर्म नहीं है Realme 9 iPhone का, क्योंकि ये फ़ोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है 18 जनवरी को इंडिया में, लॉन्च होने का बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है जो स्पेसिफिकेशन बताएँ वही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा Realme 9 iPhone। आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेटर लगा और कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ये दोनों फ़ोन का कन्फ्यूज़ का बात करें तो इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेटर है, तो दोनों फ़ोन में दोस्तों ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन दिया गया है, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। इसमें एक दो चीज़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें परफॉर्मेंस में यहाँ पे 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है Redmi Note 11T फ़ोन में। यहाँ पे बात करें तो Realme 9 iPhone, इसमें 4G प्रोसेसर दिया गया है। प्रोसेसर पर यहाँ पर और नेटवर्क सपोर्ट पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर सेम प्राइस पर आता है तो यहाँ पे बेटर रहेगा Redmi Note 11T फ़ोन परचेस करना, क्योंकि इसमें फीचर के लिए बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है, जो 5G सपोर्ट दिया गया है 5G देखने को मिल जाता है। अगर आपको एक 5G फ़ोन चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं Redmi Note 11T फ़ोन के तरफ। अगर आपको 5G इतना मैटर नहीं करता है, 5G यूज़ नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर जा सकते हैं Realme 9i फ़ोन के तरफ। यह दोनों फ़ोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, खाली प्रोसेसर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम सब कुछ होने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छा काफ़ी बढ़िया होने वाला है, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, ओनली 4G और 5G पर डिफरेंस है और सब कुछ सेम दिया गया है। आपको कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन आप परचेस करना चाहोगे, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना टेक्निकल अमरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।